अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और मज़ेदार और झटपट राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वन पॉट लेमन चिकन राइस। बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से ये बन जाते हैं लेकिन बेहद मज़ेदार होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए चिकन की मैरिनेशन करेंगे। चिकन मैंने लिया है यहाँ पर आधा किलो यानी कि 500 ग्राम और ये मैंने हड्डी वाला इस्तेमाल किया है। आप इसी रेसिपी को बोनलेस चिकन में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया है एक चाय का चम्मच लेमन पील। ये मैंने एक अदद बड़ा लीमू लिया था और उसको मैंने कर लिया था। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कुटा हुआ लहसुन एक चाय का चम्मच। आप चाहें तो आप पिसा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू का रस इसमें जाएगा 3 खाने के चम्मच। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जैतून का तेल 1 खाने का चम्मच। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी मिक्स ड्राइड हर्ब्स आधा चाय का चम्मच। सीजनिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई सफ़ेद मिर्च। मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल की है। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें जाएगा नमक हसबे ज़ायका। बस इतनी सी ही इसकी मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स थे। अब आपने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स चिकन की बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएं। और इसके बाद आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देना है ताकि ये मैरिनेट हो जाए। आधे घंटे के बाद अब हम तैयारी करेंगे इसको पकाने की। पकाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल 1/4 कप। सिंपल वेजिटेबल ऑयल है और इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर गरम कर लूँगी। ऑयल जब गरम हो जाए तो आपने मैरिनेट की हुई चिकन की बोटियाँ एक एक करके इसमें शामिल कर देनी हैं और मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना शुरू करना है। जब एक तरह से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको टर्न कर दीजिए। इसी स्टेज पर हमने चिकन को फ्राई करना है यहाँ तक कि ये अंदर से पक जाए और ऊपर से इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। दरमियान में आप इसको टर्न करते रहिए। जब अच्छा सा कलर आ जाए और आप देखें कि चिकन की बोटियाँ गल भी चुकी हैं तो आप इसको निकाल लीजिए। सेकेंड स्टेप अब इस राइस का हम इसी में करेंगे। जिस ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई करके निकाला था उसी ऑयल में मैंने एक अदद प्याज डाल दी है बारीक कटी हुई और ये मैंने छोटे साइज के इस्तेमाल की थी। प्याज को डालने के बाद अब आपने इसको सॉटे करना है। बहुत ज़्यादा कलर आपने इसको नहीं देना, बस लाइट गोल्डन हो जाए। कलर गोल्डन हो जाए तो अब मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ और इसके साथ ही मैंने इसमें पिसी हुई हरी मिर्च शामिल कर दी है आधा चाय का चम्मच। ये दोनों चीज़ें डालकर आपने इसको हल्का सा सॉटे कर लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब बारी है इसकी सीजनिंग की। सीजनिंग के लिए मैंने यहाँ पर ली है पिसी हुई सुर्ख मिर्च आधा चाय का चम्मच। इसकी मकदार को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच और नमक हसबे ज़ायका। बहुत ज़्यादा मसाले इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं होंगे। अब मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 खाने का चम्मच पानी और पानी डाल देने के बाद मैं इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 कप पानी। मैंने तकरीबन 1.5 कप चावल लिए थे उस हिसाब से मैंने इसमें 3 कप पानी डाला है। और अब आपने इसको हाई फ्लेम पर ढककर रख देना है जब तक कि ये उबलना शुरू हो जाए। पानी उबलना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ भीगे हुए बासमती चावल 1.5 कप। इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। चावल डाल देने के बाद आप इसको हल्का सा मिक्स कर लें और अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ढककर पका लेना है जब तक कि ये 80% डन हो जाएं या हमारी दम वाली स्टेज आ जाए जैसे हम नॉर्मल चावलों के लिए करते हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको लगे थे और मैंने ढक्कन उठा लिया है। 80% तक ये पक चुके हैं। अब इस स्टेज पर आपने अपनी फ्राई की हुई चिकन इसके ऊपर डाल देनी है। और यहाँ पर मैंने ली है मिक्स्ड बेल पेपर्स। आप किसी भी कलर में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3 कलर लिए हैं तकरीबन आधा कप और इसको छोटी क्यूब्स में मैंने काटा है।
ये डाल देने के बाद आपने हल्के हाथ से चावलों में इनको मिक्स कर देना है। बहुत एहतियात से आपने ये करना है, अगर आप बहुत ज़ोर से करेंगे तो चावल टूटते जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास लिम्बू के स्लाइसेस हैं, एक लिम्बू के मैंने ये लिए हैं और इस तरह गोल मैंने इसको काट लिया है। स्लाइसेस को असेंबल करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दिया है और हरा धनिया छिड़क देने के बाद आपने इसको ढक देना है और बहुत लो फ्लेम पर आपने इसको दम दे देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को उठा लिया है और ज़बरदस्त से लेमन चिकन राइस तैयार हो चुके हैं। चावल आप देख सकते हैं कितने खिले खिले हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी खुशबू आ रही थी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।